हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपन CSS के थ्रू किसी भी टेक के बैकग्राउंड में कलर या फिर इमेज अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक पेज बना लेते हैं। HTML का हमने एक फाइल क्रिएट कर लिया, नाम दे दिया 6.html। इसको हमने नोटपैड प्लस प्लस के साथ ओपन कर लिया। सबसे पहले हमने HTML ओपन किया, HTML को क्लोज़ किया, उसके बाद हमने हेड ओपन किया, हेड को क्लोज़ किया। हेड के बाद हमने टाइटल ओपन किया, देन टाइटल को क्लोज़ कर दिया। इस प्रोग्राम में अपन सीखने वाले हैं दो प्रॉपर्टीज़ अपन इसमें यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड माइनस कलर एंड बैकग्राउंड माइनस इमेज। ठीक है, दो चीज़ें आप इसमें देखोगे, दो स्टाइल अपन सीखेंगे इसमें, बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड इमेज। बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। ठीक है, अगर हमें HTML के थ्रू बैकग्राउंड में इमेज देना है, सपोज मुझे कलर देना है ना, HTML के थ्रू आप जब बॉडी के अंदर बैकग्राउंड में कलर देते थे तो आप क्या यूज़ करते थे? BG कलर का यूज़ करते थे। BG कलर इक्वल टू कलर का नाम लिख दिया, रेड, और इस पेज को हमने रन किया तो पूरी की पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ओके, आप देख रहे हो जो बैकग्राउंड का कलर है वो रेड हो गया। तो बॉडी के बैकग्राउंड में तो हमने कलर दिया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस H2 के बैकग्राउंड में कुछ कलर देना है तो यहाँ पे मैं BG कलर यूज़ करके बैकग्राउंड में कलर नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, HTML के थ्रू अपन बॉडी में बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, मार्की में दे सकते हैं, ठीक है, या टेबल टैग में दे सकते हैं, बट हम H2 पैराग्राफ हर एक टैग में BG कलर एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हर एक टैग में BG कलर एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस H2 के अंदर अगर मैं कुछ लिख दूं, अभी तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, हेडिंग 2 लिख दिया सपोज मैंने। ठीक है, H2 के अंदर मैंने कंटेंट लिख दिया हेडिंग 2, तो ये अभी ब्लैक कलर का फॉन्ट आ रहा है और बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं आ रहा। ठीक है, वही बैकग्राउंड में ओल्ड जो बॉडी का कलर था वही दिखाई दे रहा है आपको, तो ये BG कलर हम इस पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन CSS की मदद से आप किसी भी टेक के बैकग्राउंड में कलर दे सकते हो। ठीक है, तो ये CSS का एडवांटेज है, हमारा ज़्यादा कंट्रोल अचीव हो जाता है टेक्स के ऊपर। तो मैंने बैकग्राउंड का कलर दे दिया, H2 का यूज़ करते हुए मैंने बैकग्राउंड में कलर दे दिया ब्लू। CSS की मदद से आप किसी भी टेक के बैकग्राउंड में कलर प्रोवाइड कर सकते हो। सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लू कलर आ गया। ओके, इसी तरह हम बैकग्राउंड में चाहें तो इमेज भी दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ से बॉडी का बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, आप चाहो तो बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हो। मैंने एक और H2 यूज़ कर लिया, या कोई भी टैग आप यूज़ कर सकते हो। मैंने दोबारा से H2 यूज़ कर लिया और इस बार मैंने कलर ना देके बैकग्राउंड में इमेज दे दी, बैकग्राउंड माइनस इमेज कॉलन URL, और ब्रैकेट के अंदर आप उस इमेज का नाम लिख दोगे जो इमेज आपको एज अ बैकग्राउंड दिखानी है। ठीक है, तो मैंने इस इमेज को ले लिया, सेव किया, ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश किया। ठीक है, तो आप देख रहे हो बैकग्राउंड में हमारे पास ये फ्लावर्स वाली जो इमेज थी वो आ रही है।
ठीक है, ये इमेज हमें शो हो रही है। जितना ज़्यादा आपका कंटेंट होगा उस हेडिंग में, उतना इमेज का साइज़ भी आपको दिखाई देने लगेगा। हाँ ना, जैसे मुझे बॉडी के बैकग्राउंड में इमेज देना है तो आप HTML का यूज़ करके भी दे सकते हो और CSS का यूज़ करके भी दे सकते हो। मैं CSS लगा देता हूँ यहाँ पे, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड माइनस इमेज कॉलन इमेज का नाम। तो मैंने इमेज का नाम दे दिया यहाँ पे। मैं कोई इमेज कॉपी कर लेता हूँ अपने सिस्टम से। सपोज़ कोई भी इमेज ले लेता हूँ मैं। सोच रहा था कोई छोटी इमेज होती तो मैं उसको आपको लार्ज करके ही बताया था कैसे उसको बड़ा करते हैं। तो एक सेकेंड, आई विल सपोज़ मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। इस इमेज को कॉपी करके मैंने उसी फोल्डर में रखा जहाँ पे आपका प्रोग्राम है। इमेज का नाम मैंने कॉपी कर लिया और बैकग्राउंड माइनस इमेज कॉलन URL ब्रैकेट के अंदर मैंने इमेज का नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये इमेज बैकग्राउंड में आ गई, लेकिन ये क्या, इमेज तो बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है। इमेज अगर छोटी थी तो इमेज छोटी होने के कारण इमेज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इमेज रिपीट ना हो तो आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे बैकग्राउंड माइनस रिपीट कॉलन नो रिपीट। अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड में इमेज रिपीट ना हो बार बार, तो आप बैकग्राउंड माइनस रिपीट कॉलन नो रिपीट कर दोगे तो ये इमेज एक ही बार आएगी। ठीक है, इसी तरह नो रिपीट की जगह आप, इसको मैं थोड़ा पहले छोटा कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ मैं वापस। ओके सही है, ठीक है। बैकग्राउंड माइनस रिपीट में आप नो रिपीट लिखते हो तो इमेज आपको एक ही बार डिस्प्ले होगी, जो भी उसका ओरिजिनल साइज रहेगा वो एक ही बार उतने ही साइज की आएगी। उसके बाद अगर आप लिखोगे रिपीट माइनस एक्स, अगर हम वैल्यू चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड माइनस की रिपीट माइनस एक्स, तो ये इमेज जो है एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली रिपीट हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इमेज को आपको वर्टिकली रिपीट करना है तो रिपीट माइनस वाई। ओके, इसी तरह मुझे अगर नो रिपीट करना है तो हमने देख ही लिया नो माइनस रिपीट। ठीक है, मैंने नो रिपीट लिखा तो ये आपकी इमेज डिस्प्ले हो गई। ठीक है, अब सपोज़ मुझे क्या करना है, इस इमेज को पूरे पेज के अंदर दिखाना है। मैं चाहता हूँ इमेज भले ही छोटी है लेकिन वो पूरे पेज में स्ट्रेच हो जाए, बड़ी हो जाए, बड़ी होकर दिखाई दे जितना पेज का साइज है। तो उसके लिए हमें इसका साइज चेंज करना पड़ेगा। तो साइज चेंज करने के लिए आप लगाओगे बैकग्राउंड माइनस साइज। बैकग्राउंड साइज मैंने इसका कर दिया
सपोज 200 और 300 कर दिया, है ना, 200 पिक्सल 300 पिक्सल कर दिया, ठीक है। अभी आप देख रहे हो इमेज और भी ज़्यादा स्मॉल हो गई है। आप जितना ज़्यादा साइज़ दोगे, जितना कम साइज़ दोगे, उसके अकॉर्डिंग इमेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा उसका साइज। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरे ब्राउज़र का जितना विड्थ है, हाइट है, उसमें पूरा फिट आ जाए। तो आप इसको 100% कर दोगे। इसका विड्थ भी मैंने 100% कर दिया और हाइट भी 100% कर दिया। अब आप देख रहे हो कि ये इमेज पूरी तरीके से स्ट्रेच हो गया, जितना आपका ब्राउज़र का विड्थ हाइट था उसमें ये आ गया, फिट आ गया, ठीक है। या फिर मैं वापस चेंज कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, 100 पिक्सल कर देता हूँ मैं अब, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे अपन इमेज छोटी होने के बावजूद भी उसको अपने अकॉर्डिंग साइज दे सकते हैं, ठीक है, CSS की हेल्प से। HTML से हम जो बैकग्राउंड इक्वल टू इमेज लिखते थे उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। अब सपोज़ मैं क्या करता हूँ, मुझे उसकी पोजीशन चेंज करनी है इमेज की। तो आप यूज़ करोगे बैकग्राउंड माइनस पोजीशन। बैकग्राउंड की इस बार मैंने पोजीशन चेंज कर दी 500 पिक्सल एंड 200 पिक्सल। एक्स और वाई डायरेक्शन से आपने साइज़ दे दिया। यहाँ पे हमने जो पहला पैरामीटर लिखा है 500, मतलब ये एक्स लेफ्ट से कितना डिस्टेंस आए और ये टॉप से कितना डिस्टेंस आए। टॉप से मैंने 200 पिक्सल दिया और लेफ्ट से मैंने 500 पिक्सल दिया। सो, आज हमने सीखा बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड इमेज। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो बाय फॉर नाउ।